गोल क्लियरेंस, ईरान के गोलकीपर बहुत लंबे हैं, लंबे कद के, सॉफ्ट अंडर आर्म थ्रो, वहीं पे ड्रॉप किया बॉल को 7 मीटर के आसपास, लंबा किक बाएं कॉर्नर पर, वहां पर चार नंबर अभी मौजूद थे लेकिन सेमीफाइनल गेंद चल निकली रहा है बाहर। एशिया ओशियाना इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप और सेकंड हाफ ईरान वर्सेस चाइना 1-1। लंबा थ्रो सर यूट्यूब चाइना पे के देख कीपर के का, और कमेंट्री यहाँ कर रहे मिल हैं। सकती थी बॉल, अगर ये बॉल मिलती तो मुझे लग रहा है खतरा हो सकता था क्योंकि सारा डिफेंस बीट हो चुका था। चाइना के नंबर 11 खिलाड़ी गाइड को बुलाया रेफरी ने कि पूछिए आप उनकी हाल खबर लीजिए हुआ क्या है। फिलहाल कोई बुरी खबर नहीं, खिलाड़ी उठकर तैयार। ब्लाइंड फुटबॉल 20x40 की ये पिच, 20 मीटर विड्थ और 40 मीटर लेंथ, लेंथ वाइज दोनों तरफ किक बोर्ड्स, इनकी हाइट 1.20 से 1.25 मीटर्स और 10 डिग्री पर पीछे की तरफ को टिल्ट होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ को। बॉल हल्की सी पास की, इसी बीच स्कूप किया और बाएं बोर्ड पे जाके, कॉर्नर पे जाके बॉल, ईरान के खिलाड़ी ने बॉल को टैकल किया, लेके आए, वापस लेके आ रहे हैं 12 मीटर पे, और ये चाइना के डिफेंस, चाइना का चारों खिलाड़ी एक साथ आए, 11 नंबर के खिलाड़ी चाइना के लंबे कद के, बॉल निकाला 12 मीटर सेंटर में राइट बोर्ड की तरफ जाते हुए, क्योंकि ईरान का पूरा डिफेंस एक साथ मूव कर रहा है अंदर लाने की कोशिश, लेकिन ईरान इतनी आसानी से नहीं लाने देगा। कॉर्नर पे और गोल, नरेश सर कमेंट्री कर रहे हैं आज बहुत जबरदस्त सेमीफाइनल गोल की यहाँ पर, हमारे लिए और फिर से चाइना वन वर्सेस वन ईरान पहला और सेमीफाइनल दोनों का एक एक गोल हो चुका है। 2022 इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल एशिया ओशियानिया चैंपियनशिप इंडिया कोची में आज 7वां दिन, सर यूट्यूब और पे ये कमेंट्री कर ईरान रहे हैं हमारे के लिए स्कोरर क्योंकि हम अपने गाइड हिंदी से में गले सुनना चाहते मिलते हैं हुए। सर की आवाज़ में। सेकेंड हाफ और 12 मिनट का समय अभी भी बाकी है, चाइना का स्टार्ट, सामने 1-1 और 7 नंबर दाएं तरफ लेके गए, दाएं से घुसना चाहते हैं बोर्ड के साथ, बिल्कुल लास्ट तक कॉर्नर तक लेके गए और ये बॉल बाहर क्या मैच गोल आज नहीं कर पेनल्टी में पाए। जाएगा दोबारा एक बार हमेशा फिर की तरह से ईरान चाइना। दाई तरफ ईरान और चाइना, पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, जो भी टीम जीतती है फाइनल के लिए तैयार। फिलहाल 1-1, चाइना एक, राइट तरफ से दाई तरफ से लेके गए और ये स्किट करके बॉल को अंदर को मारना चाहते थे लेकिन कोई फायदा नहीं, बॉल निकल गई आगे।